हाय मुसरत मेरी जान यू लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड थैंक यू सो मच डार्लिंग फॉर फिक्सिंग अप माय हेयर हाँ हाई बड़े लोग मुझे कहते हैं कि नाजी यू कॉपी मुसरत हेयर स्टाइल आज सबको बता दो कि मैं नहीं तो मेरा हेयर स्टाइल कॉपी करती हो हाँ जी मेरे और आपके बालों में बहुत hmm. फ़र्क है बट यू 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 लुक एब्सोल्युटली थैंक सुनो आज तुम्हें खतरे में पड़ गई थी कैसे क्योंकि अगर तुम थोड़ी आने में देर कर देती ना तो सरफराज वुड हैव चैलेंज्ड मी टू शो हिम माय निकाल माँ हाय hey, मैंने पता नहीं कहाँ छुपा के रखा कहाँ रख दिया वो तो मुझे याद भी नहीं क्योंकि मेरे निकाह को हुए तो बहुत सारे साल गुजर गए और उनको गुजरे भी इतने साल गुजर गए तो मैंने कहा मैं कहाँ से ढूंढती तुमने तो अपना बचा के रखा ना मैं कहा ना जी हाँ शुक्र है चलो अब हम इसे बात कर सकते हैं सुनो आज शो बिज़नेस वालों पर बड़ा सख्त इम्तिहान आया है बड़े इल्ज़ाम भी लग रहे हैं शो बिजनेस वालों के ऊपर यू हैव बीन इन्वॉल्व विद पीपल विद शो बिजनेस रियली एंड यू आर अ बिग नेम

यू नो आई मीट दैम आई हैव स्पेंड टाइम विद दैम मेकअप के हवाले से पर्सनलिटी ग्रूमिंग के हवाले से और डिफरेंट फिल्म और टेलीविज़न प्रोग्राम्स एंड ऑल वो एक बहुत छोटा सा टाइम होता है और उसमें आ, बस उतनी ही जान पहचान होती है जितना आप अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आपकी जो ताल्लुक होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं सो मे बी यू नो आई डोंट नो दैम एज क्लोज एज़ सरफराज साहब नोज़ दैम बट

Uh, and then when I started my NGO, which is about uh, women who have been uh, who, who, Their faces have been distorted or they've been destroyed by men hmm. uh, And they they've been thrown acid or hmm. been burnt um, Intentionally, so hmm. I'm trying to help those girls those women or koshish meri ye hai जितना मुझ मेरे बस में है जितना mm. मेरे बसात में है उतना मैं करूं बट आई नीड अ लॉट ऑफ हेल्प आई नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट आई एम श्योर इन शाह हेल्प और सपोर्ट जो है वो मुझे mm. जरूर मिलेगी इन शह बट नो वन थिंग कि तुम बाकी यू गो आउट ऑफ योर वे एंड तुम अपने uh, पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छा ऑफ कोर्स आई सीन यू टेक सच इंटरेस्ट टू ट्रीट लेकिन एक बात तुमसे मुझे जरूर पूछनी है ब, ये बताओ कि डॉक्टर्स

और जो ऑपरेशन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं यू नो सेवन सेवन एट एट आवर्स का ऑपरेशन जो होता है वो एक बच्ची का होता है दैट यंग गर्ल रिक्वायर्स गुड फिफ्टीन टू ट्वेंटी सर्जरीज इट्स नॉट दैट द डॉक्टर्स आर नॉट क्वालिफाइड जो काम वॉल्टियर वर्क बाहर के डॉक्टर्स करते हैं उतने ही हमारे डॉक्टर्स भी करते हैं खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ये ख्वाहिश होती है ये जज्बा होता है वो यहाँ के डॉक्टर्स को हो या बाहर किसी डॉक्टर्स कोई मस्ट एड नो आई थिंक एंड आई एम आस्किंग तुम खूबसूरत uh, खूबसूरती को समझती हो और उसको निखारती हो ड पाकिस्तान नीड्स अजर कॉस्मेटिकुडेस्ट डेफिनेटली डेफिनेटली अजर रिकन्स्ट्रकटि सर्जरी एंड आई थिंक जिस अंदाज में जा रहा है यूसी अप टिल नाउ आप भी इस बात पर इतफाक़ करेंगे कि जो डेमोक्रेसी uh, का जो सिलसिला होता है क्योंकि hmm. वो ब्रेक होता चला जाता है hmm. तो कोई चीज़ें जो हैं वो पाए तक मील तक पहुँचती ही नहीं है hmm. एक uh, सिलसिला शुरू हुआ वो ब्रेक हुआ दूसरे ने कुछ और कहानी सुनाई वो hmm. ख़त्म हुई तो hmm. जब तक ये एक सिलसिला प्रॉपरली तीन चार हुकूमतें सिलेक्टेड, इलेक्टेड hmm. आने शुरू नहीं होंगी उस hmm. तो वक्त तक कुछ हो नहीं सकता वो hmm. जो मेजर सर्जरी है ना hmm. वो मेरे ख्याल में आएगी तो ज़रूर hmm. लेकिन hmm. कुछ टाइम लगेगा uh, तुम्हारे साथ किस, किस ने किस किस तरह की गेम्स खेलनी चाहिए आई थिंक योर लाइफ इज ऑल अबाउट गेम्स आप खुद भी खेल रहे होते हैं और दूसरों को खिला भी रहे होते हैं और दूसरे आपके साथ भी खेल रहे होते हैं आ, मेरे साथ जो मेरी फील्ड से मुंसलिक लोग हैं यू नो उस तरह की कुछ चीज़ें छोटी मोटी होती ही रहती हैं मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो होता है आ, वो मेरे क्लाइंट्स के साथ होता है मेरे क्लाइंट्स कौन होते हैं हाउस हैं बच्चियां हैं शोबेस के लोग हैं परफॉर्मर्स हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं एंड नाउ दैट वी हैव ओपनड अप आवर मेन सेलोन, सो मेल प्लेयर्स भी हैं ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स व्हाट नेक्स्ट अब क्या ख्वाब है मुसरत मिसपा के हम्म hmm. अब जो लोग ख्वाब नहीं देखते हैं वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं सो hmm. so, ख्वाब तो हर कोई देखता है uh, मेरा जो नेक्स्ट गोल है या hmm. Uh, जो मेरा टारगेट है hmm. वो ए, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का है फॉर द गर्ल्स हु आर नॉट एज़ फार्चुनेट एज वी आर उनको उनकी ट्रेनिंग उनको रिहैबिलिटेट करना उनको दोबारा से सिटीजन uh, ऐसे बनाना अपने मुल्क के जहाँ पे आर रिस्पेक्टेड बैक देट दैट्स माई गोल इन लाइफ नाउ आई थिंक मे बी अभी मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि यू डिड से अब इस बुढ़ापे में क्या होगा नेवर यूज़ दिस वर्ड अगैन क्योंकि बुढ़ापा तो अभी आया ही नहीं है ना hmm. तो मगर मैं अपने बारे में ये कहती हूँ कि अब मेरी जिंदगी का रुख वहाँ हो गया है hmm. जो शायद यू नो ट ग्रेटर एक्सटेंट टेकिंग मी टू दैट बुढ़ापा सो अब मेरी जो hmm. जो गोल है जो मेरे एम्स हैं usme uh, ye rehabilitation center is the only goal left in my life all the best in that mashallah that is certainly <laughs> a very noble goal and uh, will show benefit uh, many, many 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 uh, destitute women who've gone through hell and misery you know and I, you just mentioned your family and everybody else who sweetheart i'm also happy and i'm also there for you whenever you need me you're also a part uh, of course Jan. and i'm so glad that you came